गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं उसे मार्ग में न केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं बल्कि यमदूत उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह आत्मा अपने जीवन में किए गए हर पाप को याद करके रोती है और क्षमा मांगती है पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग सजाएं दी जाती हैं इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर वैतरणी नदी के कष्ट यमलोक के दक्षिणी द्वार के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है बल्कि यह नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है यह नदी कितनी भयानक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले पक्षीराज गरुड़ को सचेत किया था कि वह भी इसका वर्णन सुनकर डर जाएंगे क्योंकि वैतरणी नदी के कष्ट इतने भयावह हैं कि जो व्यक्ति इसे सुन ले वह निश्चय ही पाप कर्मों को छोड़कर सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाएगा खून मवाद और हड्डियों से भरी इस नदी की विशेषता यह है कि यह केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है जबकि पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर जाती हैं तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस नदी का नाम वैतरणी क्यों है यह नदी आखिर है कहां देखने में यह नदी कैसी दिखती है और पापी आत्माओं को यह नदी क्या क्या कष्ट देती है किन व्यक्तियों को वैतरणी नदी में फेंका जाता है और गरुड़ पुराण में ऐसा कौन सा विशेष कर्म बताया गया है जिसे करने पर वैतरणी नदी के कष्ट नहीं भोगने पड़ते इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत जिन पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाते हैं उन्हें रास्ते में वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है वैतरणी नदी सौ योजन में फैली हुई है और देखने में बहुत भयानक है इस नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ रहता है जहां बड़े चोंच वाले बड़े बड़े मांस भक्षी पक्षी गिद्ध और कौवे इस नदी को घेरे रहते हैं गरुड़ पुराण में इस नदी के विभत्स स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नदी रक्त मांस बाल हड्डियां कीचड़ मवाद आदि से भरी हुई है इस नदी में पड़ने वाली हर आत्मा असहनीय कष्ट पाती है पापियों को देखकर यह नदी क्रोधित हो जाती है और भयानक रूप धारण कर लेती है जिससे इसका पानी गर्म बर्तन में रखे घी की तरह खोलने लगता है और पापी आत्माओं को इसी खोलते पानी से होकर आगे जाना होता है इतना ही नहीं नदी में लगातार भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है जो इसके स्वरूप को और भी डरावना बना देते हैं यह नदी विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े घड़ियाल मगर मच्छ जैसे मांसाहारी जानवरों से भरी है जो लगातार पापी आत्माओं को काटते और उनके मांस को खाते रहते हैं जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है इस नदी का पानी बारह सूर्यों की गर्मी के समान तपने लगता है इस भीषण गर्मी के कारण पापात्माओं को बहुत कष्ट होता है वह यमदूतों से बार बार प्रार्थना करती हैं कि वह उन्हें उसे नदी से निकाल लें लेकिन यमदूत उन्हें भाला से मारते हुए उनके बुरे कर्मों को याद दिलाते हैं वह आत्मा मन की पीड़ा और इस भयंकर गर्मी से बचने का रास्ता ढूंढती है और फिर जब वह गर्मी और आत्मग्लानी का दर्द सहन नहीं कर पाती तो बेहाल होकर उस बदबूदार पानी में डुबकी लगा देती है इसके अलावा श्री नारायण ने पछीराज गरुड़ को बताया कि ऐसी पापी आत्माएं भी हैं जो युगों युगों से इस वैतरणी नदी में पड़ी हुई हैं वे लगातार उस सड़े हुए गंदे पानी में अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे अपराध किए थे जिनकी सजा बहुत लंबी है जो लोग अपने आचार्यों गुरुजनों माता पिता बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं अथवा उन्हें बुरा भला कहकर उन पर हाथ उठाते हैं मरने के बाद उन्हें इसी वैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है जिससे वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर पाए इनके अलावा जो व्यक्ति एक पवित्र सदाचारी और धर्मपरायण पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ देता है या उसे धोखा देता है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है ऐसी आत्माओं को कई युगों तक इस नदी के घृणित पानी में रहना पड़ता है जो लोग जीवित रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए गुरुओं मित्रों तपस्वियों स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों की हत्या करते हैं उन्हें युगों युगों तक इस महाभयंकर नदी में रहकर यातना सहनी पड़ती है इन सबके अलावा स्त्री का बलात्कार करने वाला गर्भपात कराने वाला या उसमें सहायता करने वाला किसी के घर में आग लगाने वाला किसी को विष देने वाला दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला इस महाभयंकर नदी में अपने पापों को युगों युगों तक भोगते हैं इसके साथ ही झूठी गवाही देने वाला मदिरा पीने और पिलाने वाला यज्ञ में बाधा डालने वाला अपने भाई या दोस्त की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला पीठ पीछे चुगली करने वाला कथा में विघ्न डालने वाला व्यभिचार करने वाला ब्राह्मण कुल में जन्म पाके भी मांस खाने वाला मरने के बाद अवश्य ही वैतरणी नदी के कष्ट पाते हैं इनके अलावा अपने बच्चों का दोष छुपाने वाले माता पिता या अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए वैतरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं लेकिन नदी का यह स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है अपने परिजनों का विधिपूर्वक कर्म कांड करता है तो वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में महादान वितरण करता है वह इस भयानक नदी को आसानी से पार कर जाता है इस कारण से नदी का नाम वैतरणी है यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ नर्क की अन्य सजाओं से मुक्ति कदापि नहीं है जो पापी आत्माएं गोदान करके यहां पहुंचती हैं वो वैतरणी नदी तो पार कर जाती हैं लेकिन उन्हें भी उनके कर्मों के अनुसार नर्क की अन्य सजाएं भोगनी पड़ती हैं इसलिए लोगों को जीवित रहते दान और अच्छे कर्म करना चाहिए इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौ दान कराया जाता है ऐसा माना जाता है कि दान और सुकर्म के प्रभाव से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी इसलिए दोस्तों मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सत्कर्म का संग्रह करें जिससे कि उसे मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट ना भोगना पड़े सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए इस पाठ का उद्देश्य किसी और व्यक्ति के लिए होना हो लेकिन स्वयं के लिए होना चाहिए क्योंकि गरुड़ पुराण के पाठ करने से ही आपको मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जो भी अच्छा या बुरा होता है उसकी सही जानकारी मिल पाती है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वैतरणी नदी कहां बहती है किन आत्माओं को इसका कष्ट सहना पड़ता है और इस नदी को पार करने के लिए क्या काम करने चाहिए इन सब का उत्तर मिल गया होगा अगर इस विषय से संबंधित कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें सर्वे शुभम भवतु आइए मिलते हैं अगली वीडियो में